सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं, थोड़ी सी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज की वीडियो यही संदेश लेकर आई है आपके लिए। सिक्किम प्रोजेक्ट आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है क्योंकि ये पहली क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक सभी बच्चों से बनवाई जा रही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के मार्क्स भी लगेंगे, इसलिए बच्चे अपना टैलेंट, अपनी कला को इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से निखारते हुए से बना रहे हैं। अगर आप पहली क्लास से आठवीं तक हैं तो इस प्रोजेक्ट को ज़रूर देखिए, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोजेक्ट को आखिर बनाना किस तरह से था। और अगर आप नाइन्थ से लेकर के ट्वेल्थ तक हैं तो आपको ये समझ में ज़रूर आएगा कि आखिर इस प्रोजेक्ट को किस तरह बनाना था और आपको और क्या निखार करना था छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में से ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। प्यारे बच्चों, इंटरनेट से निकाल कर चिपकाना प्रोजेक्ट नहीं होता, बल्कि उसमें अपना टैलेंट को दिखाना होता है। ये फ्रंट पेज है बच्चे का, नाम कशिश है, और ख़ास बात ये है कि ये छठी क्लास में पढ़ती है, यानी कि प्राइमरी से अभी अभी आई है। तो आप देख सकते हैं कि छठी क्लास का बच्चा किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है। और नाम यहाँ पर टीचर का नाम, सब्जेक्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा एक मिस्टेक, आ की मात्रा कमी रह गई है। लेकिन जब प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो कोई कमी वहाँ पर छुप ही जाती है। और फ्रंट पेज को आपने इसी तरह से डेकोरेट करना है। यहाँ पर फूल फ्लावर्स बना रखे हैं, क्या गजब का डिजाइन बनाया हुआ है। तो यही है आपका प्रोजेक्ट, और ऐसे ही आपने ये फ्रंट पेज आपने भी तैयार करना। आप चाहें तो इसे और सुंदर तरीके से बना सकते हैं। और उसके बाद देखो, ये है आपका सेकेंड पेज। सेकेंड पेज में यहाँ पर सिक्किम की जो पिक्चर है ये थोड़ा सा बनाना मुश्किल है, इसलिए इसको आप एज इट इज भी चिपका सकते हैं। लेकिन लिखने का तरीका आप देख सकते हैं क्या गजब का यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ में ये सेकंड पेज है जो कि सिक्किम प्रोजेक्ट आप लिखेंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बनाया है यानी कि आर्ट का, क्योंकि आर्ट प्रोजेक्ट है तो आर्ट को इसमें दिखाना अपने टैलेंट को। और ये फ्लावर्स क्या गजब लग रहे हैं यहाँ पर, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट को सुंदर तरीका देना वो आपके हाथ में है। और उसके बाद सिक्किम के स्थान, अगर आप 6 to 8 में हैं तो आपने ज़्यादा नहीं करना है, बल्कि ये पिक्चर, बच्चा बड़ा परेशान था इन पिक्चर्स को ड्रॉ करना, लेकिन यहाँ पर आप पिक्चरों को कुछ चिपका भी सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन्हें बना सकते हैं तो अच्छी बात है। ये कुछ पिक्चर्स वहाँ की आप लें और जो कि इसमें चिपका दें, ये किस तरह के स्थान है, वहाँ के फेमस है। उसके बाद देखो खान पान, तो सिक्किम का खान पान क्या है, तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये बच्चे ने खुद बनाए हैं अपने हाथ से, यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इसी तरह से आप भी इसे बनाएं और ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट को तैयार करें। उसके बाद अगला पेज है और वो है सिक्किम की संस्कृति के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर इसकी डिटेल लिखनी है, जनसंख्या कितनी है, कौन सा राज्य है और किस टाइप का है, इसकी जनसंख्या, इसका क्षेत्र एरिया कितना है, पूरा यहाँ पर मेल फीमेल कितने हैं। और यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं इसको डेकोरेट करना, बस मेन मकसद प्रोजेक्ट दिखाने का कि डेकोरेट आप किस तरह से करते हैं, प्रोजेक्ट को सुंदर किस तरह से बनाते हैं। इंटरनेट से निकाल कर चिपका दिया, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते। और थोड़ा सा सिक्किम का परिचय भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, किस तरह का है, कहाँ का है, कहाँ है ये। और इसमें भी यहाँ पर जो डिजाइन है, डेकोरेट है, आर्ट को इन्वॉल्व करना ही करना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।